नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये है आपका चैप्टर नंबर 5, और इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका सूर्य के बारे में। ठीक है, तो विश्व का भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी इसको हम कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो इसमें हम जो बात करेंगे वो होगा आपका सूर्य यानी कि सन के बारे में। तो एक नज़र डाल लेते हैं हम इसमें क्या बात करने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित। और शुरू करने से पहले हल्की सी मैं आपको जानकारी दे दूँ, एक बार रिविजन करा दूँ कि यदि इस वीडियो का आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं, पूरा आनंद लेना चाहते हो, तो आपको नोटबुक और पेन लेना होगा, जिससे आप क्या कर सकेंगे, उस पे आप नोट कर सकेंगे, ताकि एक बेस्ट आपका नोट बनकर तैयार हो जाए। और जब बेस्ट नोट तैयार हो जाएगा तो आप क्या कर सकेंगे, उस पे उस वीडियो से क्या कर सकेंगे, लाभ भी ज्यादा प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि आप नोटबुक पे क्या करेंगे, नोट करेंगे, तो नोट करते समय क्या होता है कि आप पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर करते हैं, क्योंकि इधर उधर आपका ध्यान बटा हुआ नहीं होता है, क्योंकि आपको पेन भी इस्तेमाल करना होता है और नोटबुक पर ध्यान भी देना होता है और साथ ही वीडियो देखना होता है। तो तीनों काम एक साथ हो रहे होते हैं, तो आपको ध्यान इधर उधर जाने की गुंजाइश कम रह जाती है। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 में हम एक नजर डाल लेते हैं कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। तो सूर्य के बारे में इसमें बात करेंगे, और सूर्य के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सन के बारे में बात करेंगे। सौर ज्वाला क्या होती है यानी कि सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सूर्य किरीट यानी कि कोरोना वाला भाग जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है, उससे क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं। इसके बाद ध्रुवीय ज्योति यानी कि पोलर लाइट्स के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम कुमेरु ज्योति क्या होती है, कब बनती है, कहाँ पर बनती है, ओरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होती है, ओरोरा बोरियालिस क्या होती है, सुमेरु ज्योति क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये छोटा सा टॉपिक होगा और इसको हम आसानी से क्लियर करेंगे। आपके इसकी PDF चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन जो इसको बोला जाता है उसमें आपको मिल सकता है। तो आप जहाँ पर रहे दोनों को चेक कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर आपका चैप्टर नंबर जो 5 है उसको हम शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो है मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि 30 से 33 प्रकाश वर्ष के बीच में इसकी दूरी, यानी कि सूर्य का वो मंदाकिनी आकाशगंगा या कहें किसी भी आकाशगंगा का जो चमकीला क्षेत्र होता है उसको हम केंद्र कहते हैं। केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। इसकी ही सारे पिंड जो होते हैं क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जैसे वो सारे तारे जो होते हैं परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य भी इसकी परिक्रमा कर रहा है, जिसको कभी 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो सूर्य एक गोलाकार कक्ष में, यानी कि एक गोलाकार कक्ष में, यानी कि इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है गैलेक्सी, यानी कि यहाँ पर इसको हम क्या देते हैं, बल्ज। तो एक गोलाकार कक्ष में, यानी कि इस तरह से एक गोलाकार कक्ष में क्या कर रहा है, ये मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूर्य को एक पूरा चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे गंगे या गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है तथा 3,33,000 गुना भारी है। यानी कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना क्या है, बड़ा है, और 3,33,000 गुना भारी है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना ही अधिक है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर को एक खगोलीय इकाई माना जाता है, यानी एक खगोलीय इकाई कितनी हो गई, 15 करोड़ किलोमीटर। दो खगोलीय इकाई कितनी हो गई, 30 करोड़ किलोमीटर। समझ आ गया, चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, यानी कि जो सूर्य होती है वहां से जैसे उदय होता है तो 8 मिनट 22 सेकंड या 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। सूर्य की आयु की यदि बात की जाए तो सूर्य की आयु 5 करोड़ वर्ष है। ठीक है, इसका व्यास की यदि बात की, व्यास मतलब इसको हम अंग्रेजी में डायामीटर कहते हैं, तो व्यास की बात की जाए तो 13,91,016 किलोमीटर, या और भी अगर अंग्रेजों वाली स्टाइल में बोलें तो 1.391 मिलियन किलोमीटर इसका डायामीटर या इसका व्यास है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, ठीक है, 26.5% हीलियम, 2.5% लिथियम तथा यूरेनियम इसमें है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात की जाए तो
तो जो है वह नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके तहत हाइड्रोजन का जो ही हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य का केंद्र का तापमान 1.57 × 10⁻⁷, 1.57 × 10⁻⁷ केल्विन है, जबकि इसकी सतह का तापमान 5800 केल्विन है। समझ आ गया कितना है? 5800 केल्विन इसकी सतह का, यानी कि जो ऊपरी सतह आप देख रहे हैं, ये इसकी ऊपरी सतह का कितना है? 5800 केल्विन। और इसका जो कोर है यानी कि जो नाभिक है, इसका जो तापमान है 1.57 × 10⁻⁷ केल्विन। ठीक है, चलिए चलिए साथियों बात कर लेते हैं सूर्य का, सूर्य की संरचना के बारे में। अंग्रेजों की भाषा में इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सन। चलिए समझते हैं सूर्य की संरचना के बारे में, बढ़ लेते हैं आगे, देखते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है सूर्य का, ये केंद्रीय भाग है, इसको हम कोर कहते हैं। यहाँ से कुछ निकलती हैं किरणें, ये रेडिएशन जोन होता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सूर्य का जो कोरोना वाला भाग होता है उसको सूर्य की रीट कहते हैं। ये जो ऊपरी सतह होती है इसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर। ये जो काला काला धब्बा होता है उसको हम कहते हैं सौर कलंक या सनस्पॉट, हम ये कह देते हैं हम इसको अंग्रेजों की भाषा में। चलिए तो समझते हैं सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है इसको हम कोर कहते हैं। कोर का जो तापमान होता है 1.57 × 10⁻⁷ केल्विन होता है, यानी कि इसको हम सादर भाषा में निकाल लें तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ केल्विन इसकी केंद्रीय भाग यहाँ का कोर का क्या होता है? तापमान होता है। सूर्य की बाहरी सतह को यानी कि जो ऊपरी सतह आप देख रहे हैं, ये वाली जो सतह है सूर्य की ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। इस ऊपरी सतह का जो तापमान की बात अगर की जाए तो 5800 केल्विन होता है। सौर ज्वाला क्या होती है? सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर इसको हम बोलते हैं। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये धधकता जो गोला होता है इससे ये कई किलोमीटर में होती है, यानी करीब करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर ऊंची ये लपटें होती हैं। तो ये सूर्य की बाहरी यानी कि जो सूर्य की बाहरी सतह होती है, यानी प्रकाश मंडल जो होता है यहाँ से निकलती है, तो ये सूर्य की बाहरी सतह पर उठने वाली लपटें होती हैं। ये लपटें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को पार करके खुले आकाश में आसमान में निकल जाती हैं। ये लपटें हाइड्रोजन अणु के नाभिक होते हैं यानी प्रोटॉन्स होते हैं। इन लपटों का मार्ग कभी कभी पृथ्वी की ओर हो जाता है, जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं? बिजली कड़का देते हैं। समझ में आ गया? मैं फिर से बता देता हूँ कि जो सूर्य की ऊपरी परत होती है इसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कुछ लपटें निकलती हैं सूर्य की, एकदम चारों धधकती रहती हैं वो कई कई किलोमीटर, मैंने बताया करीब करीब 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तक हो जाती हैं। तो ये पार करती हुई कभी कभी पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसमें प्रवेश कर जाती हैं, यानी कि अपना जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे पार करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, और पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें क्या करती हैं? ये बिजली कड़का देती हैं। इतना इसमें जानने के लिए काफ़ी है। चलिए ध्रुवीय ज्योति समझते हैं या पोलर लाइट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। उससे पहले एक चीज़ जान लेंगे, यहाँ पर ये सोलर विंड, इसको हम कहते हैं सौर पवन। तो जो सौर पवन होती हैं सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्रोटॉन्स की धारा को सौर पवन कहते हैं। जब ये यहाँ से कोरोना वाले भाग से सौर पवन निकलती हैं तो ये क्या करती हैं? वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या कर जाती हैं? प्रवेश कर जाती हैं। तो सौर मंडल वो सॉरी सौर पवन तथा वायुमंडल के घर्षण से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे ओरोरा लाइट कहते हैं। ये ध्रुवों पर दिखाई देते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये दिखाई देते हैं। इन्हें पोलर लाइट या ध्रुवीय ज्योति भी कहा जाता है। किसको? ऑरोरा लाइट को पोलर लाइट या ध्रुवीय ज्योति भी कहा जाता है। इस प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर सुमेरु ज्योति या ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। यहाँ पर ये प्रकाश देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव पर, इसको ऑरोरा बोरियालिस या सुमेरु ज्योति कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर इसी प्रकाश को क्या कहते हैं? कुमेरु ज्योति या ऑरोरा ऑस्ट्रा अलिस। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रालिस कहते हैं। किसको कहते हैं? आपके ओरोरा लाइट को। उत्तरी ध्रुव में बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रालिस। कैसे होता है? सौर जो पवन होती है उसका वायुमंडल में जब घर्षण होता है, घर्षण मतलब होता है रगड़ा रगड़ी करना, यानी कि ऐसे करके ये रगड़ा रगड़ी हो रही है ना हाथ में, तो ये घर्षण हो रहा है एक दूसरे के, जब हम चलते हैं तो वो घर्षण ही बोलते हैं। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और छोटा सा टॉपिक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाना चाहता हूँ। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा और आप लोग आनंद भी ले रहे होंगे। तो
आप लोग इसी तरह से सहयोग करते रहें। सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाइक करना न भूला करें अगर अच्छा लगता है। सपोर्ट करते रहें, सपोर्ट बनाए रहें अपने भाई का, और इसी तरह से अगर आप सहयोग करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला हूँ जल्द ही। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।